Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is very special because बहुत से मुझे comments मिल रहे थे, सर economics के ऊपर video डाले, economics के ऊपर हमें बहुत से problems face हो रहे हैं. तो here is the video on economics and semester 6 के लिए ये video है, और ये काफ़ी important part है जो आज हम discuss करने वाले हैं. तो वीडियो को लास्ट तक देखें, और जो भी ये वीडियो देखेगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करेगा कि हाँ, कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, और आपको और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस आप पसंद करोगे कि नहीं. सो बेसिकली इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें सेमिस्टर 6 में, तो ये बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं. उनमें से जो आज हम टॉपिक यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ थियोरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. तो थियोरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और ये जो थियोरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. वैसे अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड में 11 थियोरीज है, और एक उसका पैराडॉक्स है, लियोनटिफ पैराडॉक्स. तो वो हेक्सिर होलिन मॉडल के रिलेटेड आया था, बट इस वीडियो में हम सिर्फ दो थियोरीज को डिस्कस करेंगे. अगर आपके कमेंट अच्छे आए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो मैं इससे रिलेटेड और भी थियोरीज के बारे में वीडियोस अपलोड कर दूंगा. सो बेसिकली ये जो थियोरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, इसमें क्या होता है कि हमें इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रेड होने वाला है, वो इंटरनेशनल लेवल के लिए जो ट्रेड है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड, उसके बारे में बहुत से ऐसे ऑथर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी एक थ्योरी बनाई है, और उस थ्योरीज को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी इज थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज. तो पहली जो थ्योरी है हमारी, दैट इज थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज. अगर हम एब्सोल्यूट एडवांटेज की बात करें, तो एब्सोल्यूट एडवांटेज की जो थ्योरी है वो दी थी एडम स्मिथ ने. एडम स्मिथ ने ये जो थियोरी थी वो दी थी. अगर हम एब्सोल्यूट एडवांटेज की बात करें, तो सबसे पहले आपको इसमें याद रखना है कि ये थियोरी किसने दिया था. दिस थियोरी वॉज गिवन बाय एडम स्मिथ. एडम स्मिथ प्रोपाउंडेड अ थियोरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन द ईयर 1776. काफी पुरानी थियोरी है. सो आपको इसमें नाम याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ए से एब्सोल्यूट एडवांटेज, और ए से ही हमारा एब्सोल्यूट एडवांटेज से एडम स्मिथ है. सो एडम स्मिथ ने ये थियोरी दिया था, प्रोपाउंडेड अ थियोरी ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन द ईयर 1776 एज द थियोरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज. और इन्होंने ये जो थियोरी दिया है वो एक बुक में दिया है, एन इंक्वायरी इन टू द नेचर एंड कॉसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस. अभी ये पूरे थियोरी में बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, हम थोड़ा सा इसको एग्जांपल से मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा, सो दैट आपको काफ़ी इजी लेवल पे ये समझ में आएगा. एब्सोल्यूट एडवांटेज रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ अ कंट्री टू प्रोड्यूस अ गुड मोर एफिशिएंटली एंड कॉस्ट इफेक्टिवली देन एनी अदर कंट्री. ये थियोरी का एक ही क्रक्स है. ये थियोरी ये बोलना चाहता है कि एक कंट्री जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, वो कंट्री को अगर हम दूसरे कंट्रीज के साथ कंपेयर करें, तो हमें हमारे कंट्री में एब्सोल्यूट एडवांटेज मिलना चाहिए. अगर हम वही प्रोडक्ट कम लेबर लगा के एक अच्छे क्वालिटी की प्रोडक्ट्स को बनाएंगे कम टाइम में, और वही अगर हम फॉरेन कंट्रीज को कंपेयर करेंगे, तो उसमें हमें एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा. सो एब्सोल्यूट एडवांटेज रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ अ कंट्री टू प्रोड्यूस अ गुड मोर एफिशिएंटली एंड कॉस्ट इफेक्टिवली देन एनी अदर कंट्री. तो हमें एफिशिएंट भी होना है, एज वेल एज हमें कॉस्ट इफेक्टिव भी होना है. मतलब हम एफिशिएंटली भी प्रोडक्ट्स को बनाएंगे, और कॉस्ट वाइज भी कॉस्ट का इफेक्टिवनेस बहुत ज़रूरी है. कम प्राइस में, सस्ते में वो प्रोडक्ट बनना चाहिए as compared to the other country as concerned. So he was of the opinion that productive efficiency differed among different countries because of diversity in natural and acquired resources possessed by them. ऐसा क्यों हो पा रहा है, एक product एक country में कम price में बन रहा है, वही product दूसरे country में ज़्यादा price में बन रहा है. This is nothing but this is due to natural and acquired resources. तो जहाँ पर जैसे resources होंगे, जहाँ पर जैसे availability होगी, उस base पर ये problem जो है वो हो रहा है.
तो अगर हम प्रोडक्ट खुद बनाएंगे और उसका प्राइस बढ़ रहा है, वही प्रोडक्ट अगर हमें फॉरेन कंट्रीज से मिलता होगा और उसका प्राइस हमसे कम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, और जो चीज़ों में हम अच्छे होंगे हमें हमारे पास बना के फॉरेन कंट्रीज में उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ अ बैलेंस एक्चुअली। जहाँ जिस कंट्री के लिए एक्सपोर्ट होता है सामने वाले कंट्रीज़ के लिए इम्पोर्ट होता है, और सामने वाले कंट्रीज़ के लिए अगर एक्सपोर्ट होगा तो हमारे लिए वो बेसिकली इम्पोर्ट भी होगा। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में एक बैलेंस होता है, एंड दैट ऑल्सो वी शुड कॉन्सेंट्रेट। सो थियरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लेजिस फेयर। लेजिस फेयर का मतलब होता है आप लेट, विच मीन्स एज लेट मेक फ्रीली। तो आप फ्रीली प्रोडक्शन कर सकते हो, फ्रीली सारे गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हो, यही एब्सोल्यूट एडवांटेज का क्रक्स है। और एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी जो है वो ये प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल के ऊपर चलता है, दैट इज कॉल्ड लेट मेक फ्रीली। अभी हम एक एग्जाम्पल लेंगे सो दैट आपकी बेसिक पॉइंट्स इससे रिलेटेड कवर हो जाएंगे। समझो हम वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं और राइस का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर इंडिया में 10 लेबर का यूज करके हम 100 kg प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिमिलरली हम राइस में भी 12 लेबर्स लगा के 150 kg का राइस प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें, यूएसए का मैंने एग्जांपल लिया है, यूएसए में भी 10 लेबर लगता है और 75 kg का प्रोडक्शन होता है, और 12 लेबर्स लगता है और 200 kg का प्रोडक्शन होता है। अभी ये एब्सोल्यूट एडवांटेज का जो मॉडल है, एब्सोल्यूट एडवांटेज जो थियोरी है, इसमें क्या बोला गया है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 10 लेबर लगा के हमें 100 kg का प्रोडक्शन हो रहा है, और अकॉर्डिंगली अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए को 10 लेबर लगा के सिर्फ 75 kg का ही वो प्रोडक्शन कर पाते हैं। तो यूएस को क्या करना चाहिए, यूएस को इंडिया से इम्पोर्ट करना चाहिए। तो यूएस अगर इंडिया से इम्पोर्ट कर लेगा तो इंडिया वहाँ पे एक्सपोर्ट करेगा, तो इंडिया को यूएस के कंपैरिजन से एब्सोल्यूट एडवांटेज मिल रहा है इन व्हीट। अगर हम व्हीट की बात करें तो यूएस को क्या करना चाहिए, यूएस को व्हीट का प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, व्हीट का प्रोडक्शन इंडिया करेगा, और वो इंडिया 10 लेबर लगा के 100 kg बनाता है, इसलिए इंडिया क्या करेगा, 10 लेबर बना के जो 100 kg बना रहा है वो यूएस को एक्सपोर्ट कर देगा। और अगर हम राइस की बात करें तो राइस में 12 लेबर्स लग के 150 kg का इंडिया प्रोडक्शन करता है, वही यूएसए 12 लेबर्स लगा के 200 kg का प्रोडक्शन करता है। अभी यूएस को इंडिया के कंपैरिजन से एब्सोल्यूट एडवांटेज मिल रहा है। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, इंडिया ने राइस का प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इंडिया ने यूएस से राइस का जो पॉइंट है वो इम्पोर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्सोल्यूट एडवांटेज यूएस को मिल रहा है, बिकॉज दोनों के केस में लेबर्स अगर हम देखें तो दोनों के केस में लेबर्स बिल्कुल भी सेम है, लेकिन एक कंट्री को एब्सोल्यूट एडवांटेज है दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में। यही इस पूरे एब्सोल्यूट एडवांटेज का क्रक्स है। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज में यही होता है, हम एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कंपेयर करते हैं, और जिस कंट्री को दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में एब्सोल्यूट एडवांटेज है उसी के बेस पे उस कंट्री ने प्रोडक्शन करना चाहिए और एक्सपोर्ट इंपोर्ट फॉलो करना चाहिए। दैट इज द पॉइंट। द कंट्री विच प्रोड्यूसेस मोर बाय यूजिंग लेस लेबर हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज एज कंपेयर टू दी अदर कंट्री। तो यही था हमारा फर्स्ट थियरी। सेकेंड हमारा थियरी जो है आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज थियरी ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज। देखो एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपेरेटिव एडवांटेज की अगर हम बात करें तो दोनों थियरी के बेसिक कंसेप्ट सेम है, ये ट्रेडिशनल थियरीज है। तो इसमें क्या बोला गया है, दिस थियरी फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं, दिस थियरी इज गिवन बाय डेविड रिकार्डो, प्रोपाउंडेड अ थियरी ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन द ईयर 1817। वो थियरी दिया था 1776 में, उसके बाद ये थियरी बनाया 1817 एज द थियरी ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज इन इस बुक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। तो ये बुक में ये थियरी इन्होंने प्रोपाउंड किया था, पब्लिश किया था, दैट इज डेविड रिकार्डो ने। तो अभी कंपेरेटिव एडवांटेज के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। कंपेरेटिव एडवांटेज रिलेटिवली एफिशिएंसी है ऑफ द कंट्री, इज द इनएबिलिटी ऑफ द कंट्री टू प्रोड्यूस अ गुड मोर एफिशिएंटली एज कंपेयर टू द अदर गुड। दस द कंट्री मे बी एट एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज विद रेस्पेक्ट टू बोथ द गुड्स, बट द एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इज लोअर इन वन गुड दैन अनदर। अभी बेसिकली ये जो कंसेप्ट है कंपेरेटिव एडवांटेज का, इसमें कंपेरिजन करना है, और अभी कंपेरिजन के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ सो दैट ये आपको जो पैराग्राफ लिखा है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। देखो वही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है,
अभी हम व्हीट और राइस का ही फिर से एग्जांपल लेंगे, व्हीट और राइस। इंडिया की बात करें तो इंडिया 12 लेबर्स लगा के 100 kg प्रोड्यूस करता है, और राइस में इंडिया 10 लेबर्स लगा के 200 kg प्रोड्यूस करता है। एब्सोल्यूट एडवांटेज में क्या था, हमने इंडिया के बेसिस पे यूएसए के साथ कंपेयर किया था। अगर हम इस थियोरी का क्रक्स देखें तो हमें ऐसा बोला गया एज पर द कंपेरेटिव कॉस्ट थियोरी कि इंडिया शुड नॉट कंपेयर विद यूएसए, इंडिया यूएसए से कंपेयर नहीं करना है, इंडिया ने क्या करना है, इंडिया से ही कंपेयर करना है। मतलब देखो, अभी इंडिया अगर 12 लेबर लगा के 100 kg का वीट बनाता है, वही अगर हम 10 लेबर लगा के 200 kg का राइस बनाएंगे, तो बेसिकली ये दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारे लिए बेटर कौन सा ऑप्शन लगता है, राइस इज़ द बेटर ऑप्शन। तो हमें व्हीट का प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, राइस का ही प्रोडक्शन करके वहाँ एक्सपोर्ट करना चाहिए फॉरेन कंट्रीज़ में। और व्हीट के बारे में अगर हम बात करें तो यूएसए देखो, अभी यूएसए में 12 लेबर लगा के 175 kg व्हीट बनता है, सिमिलरली यहाँ पे 10 लेबर्स लगा के 200 kg का राइस बनता है। तो इसमें अगर हम कंपेयर करें तो यूएस को क्या करना चाहिए, यूएस को भी सिमिलरली 12 लेबर लगा के वो 175 kg ही वीट बनाता है, तो यूएस को यूएस के ही प्रोडक्शन से कंपेयर करना है। मतलब हम एब्सोल्यूट एडवांटेज की बात करें तो वन कंट्री कंपेयर्स विद दी अनदर कंट्री, तो अनदर कंट्री से हमें कंपेयर नहीं करना है, हमें खुद के साथ ही कंपेरिजन करना है कि हमें हमारा एब्सोल्यूट एडवांटेज किस में मिल रहा है। तो यही कंपेरेटिव कॉस्ट थियोरी है। तो कंपैरेटिव एडवांटेज और जो कंपैरेटिव एडवांटेज और एब्सोल्यूट एडवांटेज है, दोनों सिमिलर सिमिलर थियरीज है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो में आपको यही पॉइंट बताया, द कंट्री शुड कंपेयर विद देमसेल्व्स एंड दे डिसाइड अबाउट प्रोडक्शन और इंपोर्टिंग दैट कमोडिटी। तो बेसिकली आपको यही पॉइंट देखना है। फर्स्ट में हमने क्या देखा था कि इंडिया विल बी कंपेयरिंग विद यूएसए, सेकेंड में हमने देखा इंडिया इंडिया के साथ ही कंपेयर करेगा और जिसमें उनको अच्छे बेनिफिट मिल रहे वही चीज़ों को प्रोड्यूस करे, बाकी की चीज़ों को अगर उसमें बेनिफिट नहीं मिल पा रहे तो बाकी की चीज़ों को हम लोग इम्पोर्ट करेंगे। दिस वॉज द बेस। तो यही था आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर आपको अच्छा लगा है तो अच्छे अच्छे कमेंट करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, और अगर पहली बार आप चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज ऐसे वीडियोज मैं लाते रहता हूँ। टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर। थैंक यू।